दोस्तों देश के सरकार द्वारा 14 जून 2022 को एक स्कीम लाई जाती है आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, जिसकी घोषणा देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करते हैं। इस स्कीम में सेना भर्ती को लेकर नए बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 17.5 से 21 साल तक के कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास होने चाहिए विथ PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। और पहले साल के लिए यानी पहले अटेम्प्ट में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी कि अगर आपकी उम्र 23 साल भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए ही है। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है नौकरी की समय सीमा घटाकर 4 साल कर दी गई है, यानी जो जॉब ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया गया है। अब ये होगा कि आपको 4 साल तक की नौकरी दी जाएगी, 25% लोगों को 4 साल के बाद फिर से जॉब पे रख लिया जाएगा, और जो लोग बच जाते हैं उनको नौकरी से निकाल दी जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वे लोग नौकरी से निकलते हैं तो उनको कहीं और जॉब मिलने में आसानी रहेगी। अब ये तो समय ही बताएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है और है भी, पास्ट में जितने भी एग्जाम्स बच्चों ने दिए हैं, रिजल्ट्स जिनके आने बाकी थे, जिन बच्चों ने मेडिकल तक क्लियर कर लिया था, ज्वाइनिंग रह गई थी, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अब इसकी क्या भरपाई सरकार कर पाएगी? क्या वे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे फिर से दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो क्लियर हो पाएंगे? क्या वे उतनी मेहनत से तैयारी कर पाएंगे? अब इसका जवाब सरकार दे। जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिए हैं, क्या उनके परिवारों को सरकार जवाब दे पाएगी? इसके बारे में सरकार से हमें सवाल करने होंगे। मैं आपको अपने घर की बात बताऊं तो मेरे भाई ने एयरफोर्स में मेडिकल क्लियर कर लिया था, अब उसकी ज्वाइनिंग रह गई थी, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद वे कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी कि अब उनको जॉब नहीं दी जाएगी, अब उनको इस नए तरीके से फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। अब इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? उसने कौन सी गलती कर दी है कि उसको फिर से एग्ज़ाम देने होंगे? उसने जो 2 साल उधर मेहनत किए हैं फिर से उसको उतना मेहनत करना होगा, और जो खर्चे उसको पढ़ाई लिखाई में किए गए हैं वे दोबारा करने होंगे। क्या ये सही है? ऐसे हजारों बच्चों के साथ किया जा रहा है, क्या ये सही है? मैं जानना चाहूँगा। जिन लोगों ने बोला है कि ये स्कीम बहुत अच्छा है, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी? क्या आप लोगों ने दिन रात रह के पढ़ाई की थी, रिजल्ट्स निकाले थे? अगर नहीं निकाले थे, नहीं पढ़ाई की थी, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इस स्कीम के बारे में बोलें कि ये अच्छा स्कीम है। अगर आप लोगों ने मेहनत की होती, आप लोगों ने पढ़ाई की होती, उस दर्द से आप लोग गुजरे होते तो आप लोग को पता चल जाता है कि ये स्कीम अच्छा है या गलत है। अब बात आती है हमारे देश के होने वाले सैनिक धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों 100 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है? तो इसके 2 मेन कारण हैं। पहला, जिन बच्चों के सिलेक्शन हो चुके थे, बस ज्वाइनिंग बाकी था, और जैसा कि मैंने बताया पास्ट में हुए एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने बाकी थे, वे कैंसिल कर दिए गए हैं। दूसरा कारण, नौकरी की समय सीमा को घटाकर 4 साल कर दिया गया है, इससे बच्चों का सब्र का बांध टूट गया है, वे ना चाहते हुए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ विचलित कर देने वाले वीडियोज और फोटोज भी वायरल हुए हैं, जिनमें हमारे देश के होने वाले वीर सैनिक फांसी लगाकर अपनी जान दिए जा रहे हैं। एक भाई ने तो अपने ऊपर पेट्रोल डाला और खुद को आग के हवाले कर दिया। ये सभी वीडियोस मैं आपको इधर दिखा नहीं सकता क्योंकि YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन मैं इस तरह के जितने भी बच्चे हैं जो फांसी लगा रहे हैं, जो खुद को पेट्रोल के हवाले कर रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। आप अपने माँ बाप के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए, उन लोगों ने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया है। आप उनकी उम्मीद हो कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे बुढ़ापे में सहारा देगा, आप इस तरह के बिल्कुल कदम ना उठाएं जिससे आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। अगर आप फांसी लगा लेते हैं दोस्तों, तो कहीं कुछ भी बात होगी तो लोग आपके माँ बाप को ज़रूर बोल देंगे कि अरे आपने कुछ गलती की होगी, तभी तो आपका जवान बेटा मर गया। तो इस तरह के ताने से अपने माँ बाप को बचाइए और थोड़ा इंतज़ार करिए, ये स्कीम वापस ली जाएगी, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर किए जाएंगे। और अभी तो ये बहुत छोटा सा कदम था दोस्तों, आपके जीवन में और भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, तो क्या आप बार बार फांसी लगाएंगे? नहीं ना। अगर आप मर भी जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी थोड़ी ना हो, आप एक छोटे से किसान के बेटे हो,
तो आपकी मौत का इधर कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे मरने से ये कानून वापस ले लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अपनी हक की लड़ाई करनी होगी। मरने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आप लोगों को जिंदा रह के अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। मीडिया ये दिखा रही है कि देश के होने वाले सैनिक तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। हालांकि ये बातें सच हैं। कुछ जगहों पे ट्रेनें फूंक दी गई हैं, प्लेटफॉर्म फूंक दिए गए हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये बातें सच भी हैं। लेकिन मैं मीडिया से ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये आगजनी सब बच्चे कर रहे हैं? कुछ बच्चों की वजह से आप सबको दोषी नहीं मान सकते। उन बच्चों के भी बारे में आप सोचिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से 2 साल तक चुप रह के अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई है कानूनी तरीके से। वे इंतज़ार करते थे कि आज हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, अब हम लोग का एग्ज़ाम होगा। क्या उन लोगों के बारे में आप लोग नहीं दिखा सकते थे? अगर ये तोड़फोड़ आप दिखा सकते हैं, तो क्या आप लोग उनकी वो दर्द भरी कहानी नहीं सुना सकते थे लोगों को, जो भी 2 साल से झेल रहे थे? ये भी तो आपका अधिकार होता है, ये भी तो आपके अंडर आता होगा कि अच्छाई भी दिखाएं। अगर आप बुराई दिखा रहे हो तो क्या आप अच्छाई नहीं दिखा सकते हो? हमारे देश के होने वाले सैनिक चुपचाप अपनी डिमांड रख रहे थे सरकार के पास। दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए, एयरफोर्स के जो रिजल्ट्स आने थे उसको लेकर कई बार धरने प्रदर्शन किए गए। इनको मारा गया, इनको मारकर भगा दिया गया। लेकिन आज ट्रेनें फूंक दी गई हैं, प्लेटफॉर्म फूंक दिए गए हैं, तो ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा है जो वे पिछले कुछ सालों से झेल रहे थे। हालांकि मैं इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि आप देश के पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन फिर सवाल वहीं घूम फिर के आ जाता है कि अगर आप अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या हमारे देश में एक यही रास्ता बच गया है? क्या जब हम लोग शांति से सरकार के पास अपनी आवाज़ ले जाते हैं, तो क्यों नहीं वो सरकार सॉल्व करती है? क्यों सरकार इंतज़ार करती है कि जब तक पूरे देश के लोगों को प्रॉब्लम ना होने लगे, तब तक हम नियम नहीं बदलेंगे? क्या सरकार की गलती हम पूरे देशवासियों को उठानी पड़ेगी? सरकार ने अगर गलती की है तो सरकार इस गलती को कबूले और पूरे देश से माफ़ी मांगे कि हमने ये गलती की है। और जिन लोगों ने इस स्कीम को बनाया है, वे लोग भी माफ़ी मांगे उनके परिवारों से जो बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। इनके परिवारों को कंपनसेशन मिलना चाहिए और इनके परिवारों के एक एक सदस्य को जॉब भी देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये गलती सरकार ने की है, हम आम जनता ने नहीं की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गांव में आर्मी के प्रति कितना आदर और सम्मान है। अगर किसी गांव का बच्चा सेना में नौकरी पा लेता है, तो पूरे गांव के लोग उसको एक सम्मान की नज़र से देखते हैं। हर जगह उसका एग्जाम्पल दिया जाता है, लोग उसको एक आइडल मानते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं, देखो फलाने के लड़के ने आर्मी में जॉब पाई है, नेवी में जॉब पाई है, एयरफोर्स में जॉब पाई है, तुमको भी उससे कुछ सीखना चाहिए। आप एक बार गांव में जाकर देखिए कि जब किसी का बच्चा नौकरी पा लेता है, खासकर आर्मी या नेवी एयरफोर्स में, तो उनके माँ बाप कितने खुश होते हैं और बच्चा भी बहुत खुश होता है कि चलो अब तो जॉब मिल गई है, अपने माँ बाप के लिए घर भी बनवा देंगे, उनके रहने के लिए अच्छा सा एक इंतज़ाम कर देते हैं। ये सब भावनाएँ, ये सब बातें सोचते हुए बच्चे तैयारी करते हैं और आगे जाकर सरकारें उनके साथ जो ये अत्याचार कर रहे हैं, क्या ये सहनीय है? देश के लिए जान की बाजी लगा देना, ये हमारे शूरवीर हमेशा तैयार रहते हैं देश की सेवा के लिए। अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ये लोग हम लोगों की हिफाजत के लिए सीमा पे लड़ाई करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। क्या इनके साथ ये सही हो रहा है? मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्या इनको सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जानी चाहिए? आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइए और इन बच्चों की मदद करिए जो आगे जाकर हमारे देश के सैनिक बनेंगे। इनका आज साथ दीजिए दोस्तों, आप लोगों की ज़रूरत है अग्निपथ स्कीम को वापस लेने में। रेक्स ज्ञान आप लोगों के साथ है दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, जितना हो सकता है मेरे से मैं वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ को अपने चैनल पर उठाता रहूँगा। बाय द वे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया करके आगजनी और तोड़फोड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे देश का ही नुकसान हो रहा है दोस्तों।